सिलसिला कई पुश्तों तक जारी रहता है। आने वाली नस्लें अपने असलाफ और आबाओ अजदाद के खून का इंतकाम लेती हैं। घुड़ दौड़ में घोड़ा दौड़ाने पर झगड़ा, खेतों में बकरियां चराने पर लड़ाई और चश्मों से पानी भरने पर खूनरेजी करते हैं। अपने दुश्मनों को कत्ल करके उनकी खोपड़ियों में शराब पीते हैं। अरब कौम जाहिल है, लिखना पढ़ना नहीं जानती, मगर इन्हें अपनी शायरी और जुबानदानी पर इतना घमंड और गुरूर है कि सारी दुनिया को अपनी फसाहत और शायरी के मुकाबले में गुंगा ख्याल करते हैं। तवाहुम परस्ती इंतहा को पहुंची हुई है। जरा जरा सी बात पर फाल निकालते हैं, पासे फेंकते हैं, हर तरफ कहानत का जोर है। काहिनों से अपनी तकदीर और मुस्तकबिल के बारे में पूछते हैं। अरब के बाशिंदे उस आदमी को काबिले इज्जत और शरीफ समझते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा ऊंट, बकरियां और खजूर के बागात हों, बहुत सी दौलत हो, गुलाम हो, कनीजें हो। नेकी, परहेजगारी और शराफत का तसव्वुर ही उनके जहनों से निकल चुका है। यही वो दौर है जिसको दौरे जहालत कहा जाता है। अरब के मुआशरे की बुराइयों ने उनकी फितरी सलाहियतों को दबा दिया है। मसलन शुजात, हुर्रियत, आहद की पाबंदी, मेहमान नवाजी, जफाकशी, फसाहत और जुबानदानी, खुद एतमादी और किसी की मदद के बगैर अपनी हिफाजत खुद करने का जज्बा, इन तमाम खूबियों से अरब आशना हैं, लेकिन इनकी ये खसूसियात सही रहनुमाई न होने की वजह से गलत राहों पर पड़ गई थी और उनका बेजा इस्तेमाल हो रहा था। मुल्क में बाज ऐसे कबाइल भी पाए जाते थे जो खाना बदोश थे। जहां पानी का चश्मा, सब्जा और खजूरों के झुंड नजर आए, वहीं डेरे डाल दिए, और जब यहां से जी उकता गया तो अपना मुख्तसर सा सामान ऊंटों पर लाद कर वहां से चल दिए। ये थे अरब के अफसोसनाक हालात, लेकिन ये यहां तक महदूद नहीं थे। उस जमाने में दुनिया के गोशे गोशे में ऐसी ही बस्ती पाई जाती थी। कहीं आग की पूजा होती थी, कहीं मोहब्बत और नफरत के देवताओं के आगे सर झुकाए जाते थे। गरज अल्लाह ताला के सिवा उसकी सारी मखलूक की इबादत हो रही थी। हद यह है कि सांप, दरख्त और बंदर तक माबूद बने हुए थे। पत्थर, जानवर, चांद, सूरज और सितारे, यहां तक कि जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों तक की परस्तिश ने सारी दुनिया को शिर्क का गढ़ बना दिया था। हर तरफ जहालत का अंधेरा और शिर्क और कुफ्र की तारीकियां छाई हुई थीं। उन सब में सिराते मुस्तकीम गुम होकर रह गया था। अहले अरब की हालत इजार पर कुड़ने के अलावा आप अपनी खलवत और तन्हाई में जिंदगी और कायनात के राजों पर भी गौर और फिक्र किया करते थे और सोचा करते थे कि जिंदगी क्या है, कायनात क्या है, ये चांद, सूरज, सितारे क्यों कर बने, कायनात क्यों तख्लीक की गई, किसने की, जिंदगी का सुहूर कब हुआ, कैसे हुआ। ये वो दिन थे जब आप तन्हाई में गौर और फिक्र की जरूरत के साथ साथ इबादत को भी लाजमी समझते थे। इबादत आपकी रूह की जरूरत थी, लिहाजा आप रमजान भर गारे हिरा में क्याम फरमाते, आने जाने वाले मिस्कीनों को खाना खिलाते और बकिया औकात अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देते। गारे हिरा मक्का मुकर्रमा के मस्जिद में खाना काबा से कोई 3 मील दूर जबल नूर की चोटी पर वाके है। खलबत और गोशाए तन्हाई की तलाश में आप गारे हिरा पहुंचे। ये चूंकि काबा के सामने था और वहां कामिल तन्हाई और यकसुई थी, इसीलिए आपको बहुत पसंद आया। रमजान का महीना और पीर का दिन था। आप गारे हिरा के अंदर जिक्र इलाही और इबादत में मशगूल थे कि यकायक जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आपको वही और नबुव्वत से नवाजा। सय्यदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज नींद में अच्छे ख्वाब से हुआ। आप जो ख्वाब देखते वो सफेदाए सहर की तरह नमूदार होता। फिर आपको तन्हाई पसंद आने लगी, चुनाचे आप गारे हिरा में खलवत फरमाने लगे और कई कई रात घर आए बगैर इबादत करते और इस अरसे के लिए तोशा भी साथ ले जाते। फिर सय्यदा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ लाते और उतनी मुद्दत के लिए फिर तोशा ले जाते, यहां तक कि आप गारे हिरा में थे कि आपके पास हक आ गया, यानी फरिश्ता आपके पास आया और कहा, इकरा,
यानी पढ़िए। आपने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस पर उसने मुझे पकड़ लिया और इस जोर से दबोचा कि मुझे चूर कर डाला और फिर मुझे छोड़कर कहा, इकरा यानी पढ़िए। मैंने फिर कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। उसने फिर मुझे पकड़कर दबोचा और चूर कर डाला, फिर छोड़कर कहा, इकरा पढ़िए। मैंने फिर कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। अब उसने तीसरी बार दबोचा और कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलक अल-इंसान मिन अलक, इकरा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लम अल-इंसान मा लम यअलम। पढ़ अपने उस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को लोथड़े से पैदा किया। पढ़ तेरा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए से इल्म दिया, इंसान को वो बात सिखाई जिसे वो जानता न था। अब आपने ये आयात पढ़ दी, फिर आप इन आयात को लेकर वापस आए। आपका दिल कांप रहा था। आपने सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास पहुंचकर फरमाया, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। उन्होंने चादर ओढ़ा दी, यहां तक कि दहशत जाती रही। फिर आपने सैयदा खदीजा को वाकया सुनाया और फरमाया, मुझे अपनी जान का खौफ है। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, बेसहारों का बोझ उठाते हैं, खाली हाथ लोगों की मदद करते हैं, मेहमान की मेहमानी करते हैं और हक के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइब में मदद करते हैं। इसके बाद सैयदा खदीजा आपको अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफल के पास ले गई। ये जाहिलियत के दौर में ईसाई हो गए थे। अबरानी लिखना पढ़ना जानते थे और अबरानी में इंजील लिखते थे। उस वक्त बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उनसे कहा, भाईजान आप अपने भतीजे की बात सुने। वरका बिन नौफल ने कहा, भतीजे कहो तुम क्या कहते हो। आपने जो कुछ देखा था बयान कर दिया। इस पर वरका बोले, ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहि सलाम पर नाजिल हुआ था। काश मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। आपने हैरान होकर फरमाया, मेरी कौम मुझे निकाल देगी। वरका बिन नौफल बोले, हाँ कोई ऐसा आदमी नहीं जो तुम जैसा पैगाम लाया हो और उससे दुश्मनी न की गई हो, और अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो तुम्हारी जबरदस्त मदद करूंगा। लेकिन इसके बाद जल्द ही वरका बिन नौफल फौत हो गए और उधर वही का सिलसिला रुक गया। वही की बंदिश से आपको सख्त रंजो मलाल हुआ, लेकिन मसलहते इलाही इसी में थी, क्योंकि इस तरह खौफ जाता रहा। मुआमले की नौयत समझने का मौका मिला और दोबारा वही की मशक्कत बर्दाश्त करने पर तबीयत सिर्फ आमादा ही नहीं हुई बल्कि एक गुना शौक और तलब भी पैदा हुई और आप दोबारा वही का इंतजार करने लगे। उधर आप गोशा नशीनी की बकिया मुद्दत पूरी करने के लिए वरका के पास से पलटकर दोबारा गारे हिरा में तशरीफ ला चुके थे। जब माह रमजान खत्म हो गया और आपकी एतिकाफ की मुद्दत पूरी हो गई तो आदत के मुताबिक पहली शव्वाल की सुबह हिरा से उतरकर मक्का मुअज्जमा रवाना हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं पहाड़ से उतरकर मैदान में पहुंचा तो मुझे पुकारा गया। मैंने दाएं देखा कुछ दिखाई न दिया, बाएं देखा तो भी कुछ दिखाई न दिया, सामने देखा तो भी कुछ दिखाई न दिया, फिर पीछे देखा तो वहां भी कुछ नजर न आया। इसके बाद मैंने सर ऊपर उठाया तो क्या देखता हूं कि जो फरिश्ता हिरा में मेरे पास आया था वही आसमानों जमीन के दरमियान मौजूद है। ये देखकर मेरा पूरा वजूद उसके रोब से भर गया, यहां तक कि मैं जमीन की तरफ झुक गया। फिर मैं खदीजा के पास आया और कहा, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो, ठंडे पानी के छींटे मारो।
उन्होंने कंबल ओढ़ा दिया।